अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्डोलियम। हॉर्डोलियम क्या होता है? इट्स एन इन्फेक्शियस नोड्यूल जो कि आईलिड के अंदर बनता है। इसके कॉज क्या हो सकती है? स्टाफ ओरियस, और इट इज़ एसोसिएटेड विद लोकलाइज पिरुलेंट एब्सेस। अगर लोकलाइज कोई एब्सेस बनी है तो वो उसके बाद भी हॉर्डोलियम बन सकता है। इसके टाइप्स तो होते हैं, हॉर्डोलियम एक्सटर्नम होता है जिसको स्टाई भी कहते हैं, और हॉर्डोलियम इंटर्नम होता है। अब जो एक्सटर्नम होता है वो इंटीरियर पार्ट में बनता है, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ जीज या लैश फॉलिकल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बनता है, और जो इंटरनम होता है वो पोस्टीरियर पार्ट में बनते हैं, यानी कि मेबोमियन ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है। फिर एक्सटर्नम और इंटरनम के डिफरेंसेस देख लेते हैं, या उनमें जो सेम बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम जो है वो बेसिकली फॉलिकल, जीज और मॉल, इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंटरनम मेबोमियन ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके कॉज में स्टैफ ओरियस है, इसकी भी यही कॉज है। क्लिनिकल फीचर्स में पेन सबसे पहला फीचर आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। एक्सटर्नम में भी टेंडरनेस होगी, टेंडरनेस का मतलब है पेन ऑन टच, लेकिन जो टेंडरनेस होगी वो हॉर्डोलियम इंटरनम वाली सिचुएशन में ज़्यादा होगी। इसके अलावा एडिमा और रेडनेस, स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी दोनों सिचुएशंस में। एक्सटर्नम में सिंगल या मल्टीपल लेशंस हैं, इसकी भी यही सिचुएशन है। इसमें पस कम्स आफ्टर एपाइलेशन, यानी अगर किसी भी लैश फॉलिकल को निकाला जाता है तो उसके बाद पस रिलीज़ होगी, जबकि इसके अंदर प्रेशर के बाद पस रिलीज़ होगी। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और इंटरनम के अंदर अगर बर्स कर जाता है हॉर्डोलियम इंटरनम तो वो ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बना सकता है। इसके जो डिफरेंशियल्स हैं एक्सटर्नम वाले के, उसमें इंटरनम होगा सबसे पहले। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्टेड कैलेजियन हो सकता है इंटरनम में। एक्सटर्नम से उसको डिफरेंशिएट करना है, नोड्यूलर फेसाइटिस से एंड प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस से उसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सेलुलाइटिस हो सकता है, वो प्रीसेप्टल वाला भी हो सकता है, ऑर्बिटल वाला भी, अगर ऑर्बिटल टिश्यूज़ आपके इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। फिर ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहले एनाल्जेसिक्स, ठीक है, पेन को ख़त्म करने के लिए, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि अगर पूरी बॉडी में कोई और भी इन्फेक्शन चल रहा है या इसको भी कंट्रोल करने के लिए साथ ही दे देते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो जाए ना इधर उधर। इसके अलावा वार्म कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए, और एक दिन में 4 to 5 times के लिए देते हैं। उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ पस, ये वही तरीका है कि लैश फॉलिकल को रिमूव करते हैं तो उससे पस निकल आती है, जबकि उसके केस में प्रेशर से करते हैं। इवैक्यूएशन ऑफ पस जो है वो लैश फॉलिकल वाले तरीके से भी कर सकते हैं या फिर सर्जिकल भी उसको रिमूव किया जा सकता है। और अगर एक्सटर्नम के साथ ब्लेफराइटिस हुआ है तो उसको भी फिर ट्रीट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट हॉर्डोलियम। थैंक यू।